हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजीटा और टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के चैप्टर 13 में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से दूसरे डायमेंशन से आया गोकू यानी कि कैकेरोट अपनी सैयन की शक्तियों को सुपर सैयन ब्लू के साथ इस्तेमाल कर रहा होता है और हमारे गोकू के साथ एक बहुत ही अच्छा मुकाबला करता है, लेकिन धीरे धीरे गोकू कैकेरोट पर भारी पड़ने लगता है। और फिर उसके बाद जब कैकेरोट को महसूस होता है कि अब वो कमजोर पड़ रहा है, तभी वो सुपर सैयन ब्लू की शक्तियों को अपनी सुपर सैयन 5 फॉर्म के साथ कंबाइन कर देता है और बदल जाता है सुपर सैयन 5 गॉड ब्लू में। और जल्द ही एक नया फाइटर भी आने वाला है, वो ग्रैंड प्रीस्ट की टीम का भी हो सकता है और ओमनी किंग वेजिटा की टीम का भी। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या अमेजिंग चीजें होने वाली हैं आगे। तो शुरुआत होती है जहां पर वेजिटा अल्ट्रा ईगो चौंक रहा होता है अपने ही रूप को देखकर। पहले दूसरे डायमेंशन से आया गोकू से लड़ रहा है और अब वेजिटा के आगे भी एक और वेजिटा है जो दूसरे डायमेंशन से आया है, लेकिन इस वेजिटा को देखकर लगता है कि इसमें कुछ तो अलग है। कि तभी वो वेजिटा चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि तो ग्रैंड प्रीस्ट ने वादे के मुताबिक वेजिटा को ही मेरा विरोधी चुना है, अब मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं ही हूँ परफेक्ट वेजिटा, असली सैयन प्रिंस। तो इस नए वेजिटा ने आते ही बड़ी चौंका देने वाली बात कह दी है कि ये वेजिटा से लड़ने का सपना देख रहा था और इसने अपने आप को बोला परफेक्ट वेजिटा। तो क्या खास बात इस वेजिटा के अंदर हो सकती है? लेकिन हमारे प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस वेजिटा अल्ट्रा ईगो को इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि मैं फिर से अपने डुप्लीकेट से क्यों लड़ रहा हूं, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी बजाय कैकेरोट को चुनता। मतलब वेजिटा परफेक्ट वेजिटा से ये पूछना चाह रहा है कि उसने कैकेरोट की बजाय उसको अपना प्रतिद्वंदी क्यों चुना। उसकी बात का जवाब देते हुए परफेक्ट वेजिटा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वो ट्रेनिंग के पुराने तरीके क्या अब भी किसी काम के हैं, क्या वो मेरा मुकाबला कर सकते हैं। आज उस ट्रेनिंग स्टाइल का मैं टेस्ट लूंगा और तुम देखना कि क्या वो मेरे नए ट्रेनिंग के तरीके से टक्कर ले भी पाएंगे। कि तभी वेजिटा बोलता है, क्या मतलब है इसका? क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ट्रेनिंग स्टाइल मेरे से बेहतर है? तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते सैयन प्रिंस, मुझे दिखाओ कि तुम में कितना दम है। तो परफेक्ट वेजिटा ने आते ही वेजिटा अल्ट्रा ईगो को खुली चुनौती दे दी है कि उसके साथ साथ उसके लड़ाई के तरीके भी अच्छे नहीं है और क्यों वो वेजिटा अपने आप को परफेक्ट बोल रहा है, अब वो सबको दिखाने वाला है। कि तभी वो पावर अप करता है और हम देख सकते हैं कि ये परफेक्ट वेजिटा जो है ये अल्ट्रा ईगो से कुछ अलग तरीके की शक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। कि तभी वो दोनों वेजिटा और परफेक्ट वेजिटा एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं और एक दूसरे का स्वागत करते हैं घमासान मुक्को से, जहां पर अल्ट्रा ईगो वेजिटा परफेक्ट वेजिटा के मुक्के को बड़े ही आराम से रोकता है। फिर वो एक दूसरे को घूरते हुए अपनी ताकत एक दूसरे को दिखाते हैं। फिर अल्ट्रा ईगो वेजिटा जल्दी से एक पंच बनाता है जिससे कि वो परफेक्ट वेजिटा का मुंह तोड़ सके, लेकिन अल्ट्रा ईगो वेजिटा एकदम चौंक जाता है क्योंकि परफेक्ट वेजिटा जो कि उसके सामने था वो पलक झपकते ही वेजिटा के पीछे आ जाता है और उसका पंच पकड़ लेता है। इस चीज को देखकर अल्ट्रा ईगो वेजिटा चौंक जाता है और बिना किसी सेकंड को वेस्ट किए परफेक्ट वेजिटा अपने हाथ में एक पावर बॉल बनाता है जिससे कि वो वेजिटा अल्ट्रा ईगो की धज्जियां उड़ा सके। और इस चीज को देखकर अल्ट्रा ईगो वेजिटा थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर परफेक्ट वेजिटा कहता है कि आखिर कब तक तुम कमजोर होने का ढोंग करोगे। और इस बात को सुनते ही वेजिटा के अंदर मानो कोई खतरनाक शक्ति जाग उठती है और वो बोलता है, तो तुम्हें पता है। तो जैसा कि हमें अल्ट्रा ईगो वेजिटा से उम्मीद थी, वो अभी सीरियस तरीके से नहीं लड़ रहा है और हम सब जानते हैं कि वो जल्द ही हमें एक नई फॉर्म दिखाएगा जिसको हम पहले देख चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारे सबसे ताकतवर सैयन गोकू और कैकेरोट की फाइट की तरफ आते हैं, जहां पर अब कैकेरोट जिसने अपनी सुपर सैयन की शक्तियों को गॉड की शक्तियों से मिला दिया है और अब वो बदल चुका है सुपर सैयन 5 गॉड ब्लू में। और उस शक्ति को वो बहुत ही अच्छे से महसूस करता है और कहता है, ये शक्ति नई भी है लेकिन जानी पहचानी भी है, अब इसको टेस्ट करने का समय आ गया है। कि वो दोनों कैकेरोट और गोकू एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बिजली की भी तेज रफ्तार से कैकेरोट गोकू की तरफ टूट पड़ता है जिसे गोकू देखकर चौक जाता है। एक सैयन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में होने के बावजूद भी एक सुपर सैयन 5 गॉड ब्लू की स्पीड को देखकर चौंक चुका है। कि तभी जैसा हम जानते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की खासियत, कैकेरोट एक पंच बनाने वाला है और गोकू को ये पहले ही पता लग जाता है, लेकिन गोकू एक चीज को और भाप लेता है कि उस मुक्के का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो उस मुक्के से बचने के लिए पहले ही
अपने हाथों को आगे कर देता है और बोलता है, इसकी ताकत को टेस्ट करते हैं। कि तभी अचानक से सामने की बजाय कैकेरॉट टेलीपोर्ट होकर गोकू के पीछे आ जाता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू भी चौंक जाता है। उसका शरीर उतनी स्पीड से नहीं हमलों से बच पाता जितनी स्पीड से उसको बचना चाहिए, और इस चीज को देखकर कैकेरॉट सुपर सैयन 5 गॉड ब्लू कहता है, वो क्या स्पीड है, लगता है गॉड की इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोचा था। और वो अपनी स्पीड का बड़ा ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए गोकू के चारों तरफ कभी इधर इधर से उधर अपनी स्पीड को शो ऑफ करने लगता है, जिसे देखकर हमारा गोकू भी थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन गोकू के पास एक से एक फॉर्म है, एक से एक अटैक है, और वो पलक झपकते ही अपने नए रूप की पहली स्टेट में आ जाता है और आँख बंद करके वो एकदम अचानक से आँख खोलता है और हम देखते हैं कॉस्मिक इंस्टिंक्ट गोकू को, जिसने सिर्फ अभी कॉस्मिक स्टेट को जगाया है, यानी कि अभी पूरी तरीके से कॉस्मिक शक्ति को नहीं बल्कि उसने आधी कॉस्मिक स्टेट को जगाया है, और उसकी आंख चमक उठती है। इस शानदार नजारे को देखकर कैकेरॉट सुपर सैयन 5 ब्लू, जो अपनी स्पीड को लेकर बहुत देर से खुश हो रहा था, वो भी कहता है, तो अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ताकतवर फॉर्म में मैं बदल सकता हूँ। यानी कि वो अपने बारे में ही बात कर रहा है जो कि उसके सामने है गोकू के। गोकू फिर अपनी स्पीड उसको दिखाता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है और बोलता है, क्या तुम जानना चाहते हो कौन ज्यादा तेज है? और इस चीज को देखकर कैकेरॉट की रगों में खून दौड़ने लगता है और वो कहता है, अब आएगा मजा। कि अगले ही पल गोकू थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अब बहुत हुआ, अगले हमले में समझो कि सब खत्म। और कैकेरॉट भी इस चीज को महसूस कर सकता है, वो गोकू के गुस्से को महसूस करता है और उसकी शक्ति को भी, क्योंकि वो बोलता है उसका पावर लेवल एकदम से इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है। कि गोकू वहाँ पर पावर अप करने लगता है और अपना पंच रेडी करते हुए बोलता है, क्या तुम तैयार हो कैकेरॉट? तो इस चीज का जवाब देते हुए सुपर सैयन 5 गॉड ब्लू कैकेरॉट बोलता है, तुम्हारे सपनों में मैं ही सबसे ताकतवर सैयन हूँ सारी डायमेंशंस में। लेकिन उसको देखकर नहीं लगता कि वो अपनी ताकत पर इतना कॉन्फिडेंट है। कि अगले ही पल कॉस्मिक गोकू कैकेरॉट के पेट में एक जोरदार नी किक मारता है, घुटने वाली किक मारता है कि कैकेरॉट के मुंह से खून निकल पड़ता है। और फिर कॉस्मिक गोकू कैकेरॉट सुपर सैयन 5 ब्लू को बहुत ही तेजी से हवा में उछालने की तरफ ले जा रहा होता है कि कैकेरॉट सुपर सैयन 5 ब्लू भी कुछ कम नहीं है, वो एकदम से अचानक गोकू के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर गोकू चौंक जाता है। और फिर वो अपने दोनों हाथों से एक पंच बनाता है और गोकू की पीठ पर हमला कर देता है, और कारगर तरीके से वो हमला गोकू को लगता है और गोकू बहुत तेजी से नीचे जाता है। और इस पल का फायदा उठाते हुए सुपर सैयन 5 कैकेरॉट एक पावर बॉल बनाता है, जिसे देखकर लगता है कि अगर ये पावर बॉल गोकू को लग गई तो शायद इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये दोनों सैयन इतने ताकतवर होते हैं कि इतने छोटी मोटे मुक्के या पंच से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से कॉस्मिक गोकू कैकेरॉट के पीछे आ जाता है टेलीपोर्ट होकर और पास आकर उसको कहता है, तुम्हें पता है कि तुम किससे लड़ रहे हो? कि तभी गोकू कैकेरॉट के दोनों हाथ पकड़ता है और पीछे की तरफ मोड़ देता है, और कैकेरॉट अपने आप को गोकू के चंगल से नहीं छुड़ा पाता और वो बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कि तभी गोकू फिर से अपनी वो नी किक बनाता है और इस बारी आगे की बजाय पीछे कमर पे कैकेरॉट को एक जोरदार किक मारता है, और वो किक इतनी जोरदार होती है कि कैकेरॉट की आंखें बाहर आ जाती हैं और अगले ही पल वो अपना होश सा खोने लगता है। कि तभी कॉस्मिक गोकू की बहुत ही बेहतरीन टेक्निक क्लोन्स बनाने की, वो अपने 3 क्लोन्स बनाता है उस पर चारों तरफ से हमला करने के लिए, और हमारा नर्म दिल गोकू हर बार की तरह अपने प्रतिद्वंदी को डायरेक्ट नहीं मारता है, वो पहले उससे पूछ लेता है। तो गोकू कैकेरॉट से पूछता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि हार मान लो, अगर तुम इसी तरह लड़ते रहोगे तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा कैकेरॉट। तो क्या गोकू अब कैकेरॉट को खत्म कर देगा और क्या इनकी फाइट खत्म हो जाएगी, यह भी जानेंगे थोड़ी देर में। उधर दूसरी तरफ हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस वेजिटा परफेक्ट वेजिटा से लड़ने के लिए तैयार है और वो अपनी शक्ति को जगाने वाला है, जिसकी वो बात कर रहा था। और वेजिटा बोलता है, अगर तुम्हें हारने की इतनी ही जल्दी है तो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ, इसके बाद तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। और इतना बोलते ही अगले ही पल वेजिटा अल्ट्रा ईगो पावर अप करने लगता है, और इस शक्ति के खूबसूरत नजारे को हम देख सकते हैं कि अब वेजिटा शक्ति में बिल्कुल खो चुका है। कि अगले ही पल गोकू की तरह वो भी अपनी कॉस्मिक स्टेट को, लेकिन वो अपनी अब तक की पूरी कंप्लीट कॉस्मिक स्टेट को, जितनी उसको आती है उसको जगाता है और उसमें बदल जाता है, और बड़ा ही सीरियस होते हुए परफेक्ट वेजिटा से पूछता है, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? और इस चीज को देखकर भी परफेक्ट वेजिटा बोलता है, क्या ताकत है, ये शक्ति तो कमाल की है,
कि परफेक्ट वेजिटा रह नहीं पाता और वो हमारे कॉस्मिक वेजिटा की तरफ टूट पड़ता है, जहां पर कॉस्मिक वेजिटा उसका शिकार करने के लिए तैयार खड़ा है। कि तभी परफेक्ट वेजिटा एक पंच बनाता है, लेकिन कॉस्मिक वेजिटा सिर्फ अपनी दो उंगलियों से उसका पंच रोक लेता है, सिर्फ दो उंगलियों से। इससे हम कॉस्मिक वेजिटा की शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अब परफेक्ट वेजिटा की खैर नहीं। और परफेक्ट वेजिटा भी इस चीज को देखता है और चौंक जाता है और बोलता है, क्या उसने मेरा हमला बस दो उंगलियों से रोक लिया? कि अगले ही पल कॉस्मिक वेजिटा परफेक्ट वेजिटा के पेट में एक जोरदार किक मारता है, और जैसा कि हमको पता है वेजिटा रुकने नहीं वाला, तो वो अगले ही पल अपने दोनों हाथों से पंच बनाता है और परफेक्ट वेजिटा के कमर में मारता है। और परफेक्ट वेजिटा को देखकर लगता है कि वो टाइटैनिक की सैर कर रहा है। कि अगले ही पल कॉस्मिक वेजिटा आराम से ऊपर परफेक्ट वेजिटा का वेट कर रहा होता है, जहां पर अपने मुंह से खून पहुंचते हुए परफेक्ट वेजिटा कॉस्मिक वेजिटा को देख रहा होता है। कि तभी परफेक्ट वेजिटा एक चौंका देने वाली बात बोलता है, बस मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, तो ये है तुम्हारी लिमिट, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि परफेक्ट फॉर्म किसे कहते हैं। तो मतलब परफेक्ट वेजिटा अब अपनी परफेक्ट फॉर्म में बदलने वाला है, क्योंकि अगले ही पल वो एकदम से ध्यान लगाने लगता है और कॉस्मिक वेजिटा हर बार की तरह उसको टाइम देता है कि वो अपनी फॉर्म में बदल सके। कि परफेक्ट वेजिटा पावर अप करने लगता है और इस शानदार नज़ारे को देखने के साथ साथ कॉस्मिक वेजिटा उसकी शक्तियों का भी अंदाजा ले रहा होता है और वो एक चीज बोलता है, क्या इसकी तो बिल्कुल कैकेवॉट जैसी शक्ति है, लेकिन ऐसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति को मैंने आज तक महसूस नहीं करा। और ये बड़ी ही कमाल की बात कॉस्मिक वेजिटा हमें बताता है कि ये जो परफेक्ट वेजिटा है ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे तरीके से जिसको वेजिटा ने अब तक वी से भी फील नहीं करा है। इसके अंदर कुछ अलग बात है, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो भी एक प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस वेजिटा है। कि तभी बड़ा ही शानदार नज़ारा हमें देखने को मिलता है, जहां पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटा या परफेक्ट वेजिटा लड़ाई करने से पहले एक बात बोलता है और कहता है, मैं वो हूँ जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, मैं हूँ सबसे ताकतवर सैयंस का राजकुमार वेजिटा। इतना कहते ही दोनों सैयन राजकुमार एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं। तो कौन ताकतवर होने वाला है, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटा जो अपने आप को परफेक्ट बोलता है हर चीज में, या फिर हमारा कॉस्मिक वेजिटा जो हर चीज में परफेक्ट तो नहीं है लेकिन वो किसी से कम भी नहीं है। कि अगले ही पर दोनों ही वेजिटा बड़ी शानदार लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को बड़े शानदार तरीके से किक अटैक मारते हैं, लेकिन इतने ताकतवर होने के बाद और एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को वो दोनों अच्छे से भी जानते हैं कि वो एक दूसरे से एकदम से पीछे हटते हैं। और एकदम से हमारा कॉस्मिक वेजिटा अपना फेवरेट अटैक गालिकन बनाता है और कहता है, तो तुम भी इसी हमले के बारे में सोच रहे थे, चलो देखते हैं कौन ताकतवर सैयन राजकुमार है, मैं या तुम। और वहीं नीचे हमारा परफेक्ट वेजिटा जो कि गालिकन अटैक ही बना रहा होता है, वो कहता है, भोले मत बनो, तुम अपने दुश्मन की सोच को पढ़ सकते हो, पर फिर भी बहुत समय बाद किसी ताकतवर अपोनेंट से मुझे लड़ाई करने का मौका मिला है और खुशकिस्मती से वो मेरा ही रूप निकला। और जो लोग नहीं जानते कि परफेक्ट वेजिटा की बात का मतलब क्या है, कॉस्मिक वेजिटा अपने अपोनेंट्स के अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है उनके दिमाग को पढ़ के, ना कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह बॉडी मूवमेंट्स के हिसाब से। तो ये दोनों वेजिटा एक दूसरे को तबाह करने के लिए एक दूसरे के ऊपर गालिक दागने को तैयार है। कि अगले ही पल हम वापस आ जाते हैं अपनी गोकू वर्सेस कैकेरॉट की फाइट पे, जहां पर अपने होश खो चुका कैकेरॉट अब हंसते हुए आंखें खोलता है और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, तुम कितने नरम दिल हो, क्या तुम्हें लगा कि बस मैं इतना ही ताकतवर हूँ, मैं बस गॉड की को कंट्रोल कर रहा था जिससे कि अपनी फाइनल फॉर्म में बदल सकूं। इतना बोलते ही वो और जोर जोर से हंसने लगता है और गोकू और उसके क्लोन्स उसे एकदम से पीछे हट जाते हैं और उसके शरीर से शक्ति फिर से निकलने लगती है जैसे वो सुपर सैयन 5 बनते हुए निकल रही थी। इस चीज को देखकर गोकू अपने क्लोन्स को गायब कर लेता है और उसकी शक्ति से बचते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है। कि सुपर सैयन 5 गॉड ब्लू कैकेनॉट बहुत तेज चिल्लाने लगता है और वो एक चीज भी बोलता है, मुझे इस पावर को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कि इतना बोलते ही वो उसकी आंखों से और उसके मुंह से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और लगता है कि एनर्जी का एक विस्फोट हो जाएगा, लेकिन गोकू को ऐसा नहीं लगता क्योंकि गोकू एकदम से पावर अप करता है और कहता है, माफ करना, मैं इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, तुमसे लड़ने में मजा आया मेरे बेकार कॉपी, और तुमने मुझे दिखाया कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। कि दूसरी तरफ इन सभी लड़ाइयों पर हमारी तरह नजर रखे हुए ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, लगता है मुझे कुछ करना होगा, और ये बात वो मन ही मन सोचते हैं क्योंकि वो इन चीजों को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। कि अगले ही पल ओमनी किंग वेजिटा बोलते हैं, ये अचानक से स्क्रीन क्यों बंद हो गई, तो एकदम से क्या हुआ कि ये लोग उनकी फाइट नहीं देख पाएंगे। कि उधर कॉस्मिक गोकू
कैकेरॉट की तरफ टूट पड़ता है, जिसके अंदर से शक्ति बहुत बुरे तरीके से लीक हो रही होती है। कि जैसे ही वो उसको खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो एकदम से चौंक जाता है और बोलता है, क्या कोकू का मुक्का कोई रोक चुका है? और एकदम से आवाज आती है, क्या बद्दा नजारा है, एक नहीं दो दो गोकू साथ, और वो भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तुम पहले मेरे से क्यों नहीं लड़ते गोकू सैयन मंकी? ब्लैक फ्रीजा, तो क्या आप कॉस्मिक गोकू और ब्लैक फ्रीजा के बीच एक जंग होने वाली है? और क्या होगा सुपर सैयन 5 कैकेरॉट का, जो पीछे अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसे थोड़ा टाइम चाहिए? और ओमनी किंग वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने जो स्क्रीन चल रही थी लड़ाई की, वो एकदम से बंद क्यों हो गई? यहाँ पर एकदम से क्या होने वाला है? इस वीडियो का एम लाइक रखते हैं 5000 लाइक्स, और अगले चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पता लग जाएंगी कि अब आगे क्या होगा। और अगर आप लोगों को ये मांगा पसंद आई है तो आप चैनल को ज्वाइन करके इस मांगा को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक खुशी की बात, जो लोग चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं मजबूरन, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक एपिसोड सबके लिए आते थे, सबके लिए आएंगे और सबके लिए आते रहेंगे। और लाइक सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन इसका नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे ट्विटर पर मुझको मैसेज कर सकते हैं, और अगर चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं और अपने जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। और अब से नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स मैं अपने सोशल्स पर डाल दिया करूंगा, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगता रहेगा कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे भी ये चैप्टर बहुत पसंद आया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं तो आप पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर कार्ड में दिख जाएगा। एपिसोड 1 से अब तक के एपिसोड 13 तक आप देख सकते हैं, और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों एपिसोड 14, 15, 16 और उसके आगे के एपिसोड्स भी आ चुके हों, जो आपको प्लेलिस्ट में पूरे तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए अपने भाई क्रुजिटा को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहा मेहा।